किंग्स एंड क्वींस, आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके शादी से पहले कितने पॉसिबल कमिटेड पार्टनर या कितना पॉसिबल पार्टनर से आपको मिलना है शादी से पहले, और किसके साथ आपके, उनमें से किसके साथ आपके शादी हो जाएगी, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आपको ऑप्शंस दिख गए होंगे, एक है रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर, दूसरा है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर एंड रोज क्वार्ट्ज के हार्ट आपके ऑप्शंस में से है। तो आपको आपके शादी से पहले कितने पॉसिबल पार्टनर्स के साथ आपकी शादी हो जाएगी, शादी से पहले कितने पॉसिबल पार्टनर के साथ आप मिलोगे, और उनमें से कौन होंगे जिसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। आप पाइल वन पाइल टू में से क्लोज आइज करके डीप ब्रेथ लो और कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो, जो भी ऑप्शन आपके उनके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे में लिखना मत भूलना। ये जो ब्रेसलेट्स है, ये ब्रेसलेट अवेलेबल है और ये आपको मिल सकते हैं। ये आज ही मैंने मीना मयूरा, जो मेरे चैनल को पिछले 6 महीने से रेगुलर बेसिस में सपोर्ट कर रहा था, उन्हें ये एक फ्री हीलिंग के ब्रेसलेट दी हूँ। ब्रेसलेट काफ़ी महंगी है तो हमेशा मैं 4-5 लोगों को दे नहीं पाती हूँ, लेकिन फ्री रीडिंग मैं 4-5 लोगों को कल दे दूँगी, अनाउंस करूँगी मेरे दूसरे चैनल में। तो इस चैनल में कुछ दिनों के बाद, जैसे कि मई जून जुलाई अगस्त के टाइम में करूंगी अनाउंसमेंट, तो चैनल में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखना मत बोले और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ये जो है ये सिर्फ गिव अवे सब्सक्राइबर्स के लिए है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर किसी जेंडर के लिए है। और ये वीडियो जो है ये आपके सिर्फ सिंगल्स के लिए है, ये मैरिड लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ सिंगल्स के लिए है कि आपके शादी से पहले कितने पॉसिबल पार्टनर से मिलोगे, कौन कौन वो होंगे और उनमें से किसके साथ आपकी शादी रहेगी। तो आप होपफुली चॉइस कर लियो पाइल वन एंड पाइल टू। पाइल वन आपके शुरू करेंगे हार्ट से और पाइल टू शुरू करेंगे आपके, पाइल टू है आपके जो है फ्लावर। तो पाइल वन में आते हैं, पहले हार्ट के रीडिंग करते हैं कि कितने पॉसिबल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होगी और उसके बाद उनमें से किसके साथ शादी होगी। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडालफोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकल, आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ। इस वक्त में आप ग्रीन, येलो या ब्लू के कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, नाइट सूट, गाउन या जो भी है, ट्राउजर, पैंट, इस तरीके के कोई ना कोई पहने हो, ग्रीन, सी ग्रीन या येलो या आपके होंगे ब्लू, ब्लू कलर के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन। आपको महंगी वॉच के शौक है, आप महंगे वॉच, महंगे सनग्लास, महंगे कपड़े, जूते, ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करते हो, और डेफिनेटली आपकी शादी से पहले आपको ऐसे 3 पॉसिबल पार्टनर मिल रहे हैं जिनके साथ आपकी बातचीत चलेगी, उनमें से कोई एक पर्सन रहेगा जो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, लिब्रा के एनर्जी है, वो उन्हीं के साथ आपके शादी होंगे। ये उनके हॉरोस्कोप के मुताबिक वो वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, जेमिनाई एंड लिब्रा, इस इन सारे जो है जोडियक साइन से रहेगा और उन्हीं के साथ आपकी शादी होने वाला है। आप शादी से पहले 3 पॉसिबल पार्टनर से मुलाकात होंगे जिनके साथ आपके कुछ सीरियस रिलेशन रहेगा, उनमें से कोई एक इंसान जिसके जोडियक्स एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई और लिब्रा के बीच में है, वो उनके साथ आपकी शादी होंगे और वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंटली कुछ करते हैं, अगर ये जॉब भी करता है तो भी इंडिपेंडेंटली कुछ करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि फाइनेंशियल फील्ड या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कोई काम करता है, मतलब आपके इधर तो वो फाइनेंस के रिलेटेड कुछ काम करेंगे, इस चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और जैसे कि है अकाउंटेंसी, टैली और बैंकिंग सेक्टर, इन सब जगह से काम करते हैं, या कम्युनिकेशन फील्ड के काम, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, फैकल्टी, साइंटिस्ट, इस तरीके के कुछ ना कुछ काम करता है। और इन दोनों में से ये तीनों में से इन्हीं के साथ आपकी शादी होने वाला है और मुझे लगता है कि इनके साथ आप भी
तक आपके मुलाकात नहीं हुई है। आपके मुलाकात का टाइम है सितंबर महीने से लेके जनवरी के महीना होंगे। इस दौरान आपकी शादी के आपके साथ इस इंसान की मुलाकात रहेगा। इंटरनेट के द्वारा सोशल नेटवर्क साइट या सोशल गैदरिंग से मुलाकात होंगी और डेफिनेटली आपके साथ इनकी शादी है। फोर ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुलाकात के ऑलमोस्ट वन और वन एंड हाफ ईयर्स के बाद, जैसे सितंबर में अगर आपकी मुलाकात होती है तो आपके शायद शादी या एंगेजमेंट के चांस होते हैं मई जून जुलाई, और आपके अगर मुलाकात जनवरी में होता है तो आपकी शादी के चांसेस रहेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम में। तो सितंबर से जनवरी के बीच में थ्रू इंटरनेट या थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू सोशल गैदरिंग, जैसे कि ऑफिस के कोई गैदरिंग फंक्शन हो या कोई भी सेमिनार हो या कहीं पर भी आप गए हो, कोई फंक्शन में गए हो, शादी अटेंड करने गए हो, इस तरीका के जगह से आपकी इनके साथ मुलाकात रहेगी और इनके साथ शादी होने की चांसेस है। फिलहाल के लिए आपके साथ जिनकी रिलेशनशिप है वो, या आपके साथ जो आप जिसके लिए सोचते हो या आपके क्रश है, उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी है और वो आपसे सेपरेशन करने वाला है। अभी अगस्त सितंबर में पूरी तरीके से वो सेपरेट हो जाएंगे, फिर आप ऐसे जोन में चले जाओगे या अभी आप शायद ऐसे जोन में हो जहां पर आपको लगेगा कि नहीं मुझे आप शादी नहीं करना है, लेकिन आगे के टाइम के लिए ये शादी आपके हो जाएगी। उसी एक नए पर्सन जो है वो आपके लाइफ में आने वाला है और जैसे ही आता है तुरंत आपकी शादी उसके साथ हो जाएंगे। कुछ और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। The butterfly queen and the castle and accepting the quest and mastery. डेफिनेटली आप बहुत खुश रहोगे, आपके खुशी के रीजन है द बटरफ्लाई क्वीन। जब आप इस इंसान से मिलोगे तो आपको लगेंगे कि जैसे बटरफ्लाई आपके बॉडी में जैसे कि एक टिंगलिंग सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। और कैसल की कार्ड्स आ रही है, कैसल की कार्ड्स के साथ जैसे कि आप इनके साथ एक अच्छे से खुशहाल घर बनाओगे। एक्सेप्टिंग द क्वीस्ट एंड मास्टरी डेफिनेटली एंड लेडी स्प्रिंग। आप ये जो लेडी स्प्रिंग होता है ना, ये खुश पर्सन है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इस तरीका के आपके सिचुएशन रहेगी। इस तरीका से आप खुश रहोगे इस इंसान के साथ मुलाकात होने के बाद। आपके एनर्जी के बारे में बात करूंगी मैं। 5 के एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 5, 5, 23 and 14, 2, 20, 11 and 29, 7, 25 and 16, 9, 18 and 27, 6, 24 and 15, ये है आपके एनर्जी। 1, 10, 19 and 28 मैंने जोडियक साइन बता दिया है। आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते डी ई F M G I C K U V, इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। 3 पॉसिबल पार्टनर रहेंगे आपके लाइफ में, बट उनमें से सिर्फ एक ही के साथ आपकी शादी होने वाला है, जो सितंबर से जनवरी में आपके उनके साथ मुलाकात होंगे, उस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। और आपके यहाँ यही पर ये कंप्लीट करते हैं रीडिंग और आगे में चलते हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, आगे में चलते हैं और क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा था। जिन्होंने चॉइस करा था फ्लावर, जिन्होंने फ्लावर चॉइस करा था, तो उनके लिए देखते हैं कि आपको कितने पॉसिबल पार्टनर मिलेंगे शादी से पहले और इनमें से कौन है जिसके साथ आपकी शादी हो जाएगी। आपको कई लोगों ने बेवकूफ बना चुके हैं, मतलब आपको झूठ बोलते रहा है कि अरे मैं तुमसे शादी करूंगा या शादी कर लूंगी, और फिर आपको छोड़ के किसी और के कुछ बहाना देके किसी और से शादी कर लिया है। आपको कई लोगों ने बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पॉसिबल पार्टनर है वो आपके लाइफ में आ चुका है। आपको शादी से पहले 2 या 4 पार्टनर्स के साथ मुलाकात होंगे, लेकिन आपके पॉसिबल पार्टनर ऑलरेडी आ चुका है आपके लाइफ में। वो कम्युनिकेशन फील्ड से है और एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोई भी इंजीनियर, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर,
इस तरीके का इंजीनियर है और इंजीनियरिंग करता है और इसी तरीके का इंसान है और डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। शनि का आपके थोड़ा दोष है, ये अर्थ या वाटर साइन के पर्सन रहेगा, जो भी इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, ये अर्थ साइन या वाटर साइन के पर्सन रहेंगे। अर्थ साइन मतलब वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड वाटर साइंस मतलब जैसे कि आपके आ रही है पाइसिस कैंसर एंड पाइसिस कैंसर पाइसिस एंड आपके वाटर साइन हो रही है स्कॉर्पियो के एनर्जी, तो इस एनर्जी से रहेंगे। और आपके इनके बारे में मैं देख रही हूँ कि ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहा था कि आपके जैसा कोई इंसान इन्हें मिले, काफ़ी ज़रा और ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स इनके लाइफ में आया है और ये काम में बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है कि काम करता है और मैनेजमेंट के भी काम कर सकते हैं, जैसे कोई कंपनी चलाता हो या कोई कंपनी के साथ इनके कनेक्शन हो तो कंपनी के कंपनी चलाता है या काम में बहुत ज्यादा बिजी है, वर्कोहोलिक पर्सन है, डिटेल में जाके बात करते हैं, हर चीजों को डिटेल में समझने की और सुनने की आदत है, इस तरीके के इंसान है और इनके साथ आपके शादी होने की चांसेस है। और आपको शनि दोष चल रहा है, तो शनि दोष चल रहा है तो शनि दोष के लिए मैं एक सिंपल सोल्यूशन आपको दे देती हूँ कि आपको सैटरडे के दिन जो लेबर्स होते हैं, जैसे कि जो लोहे का काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह के काम करते हैं, उनको आप खाना दिया करो और शनि मंदिर जो है, अगर आप सनातन धर्म में बिलीव करते हो तो शनि मंदिर में जाके वो दाल चावल काले तिल वगैरह ये सारे दान किया करो। अगर आप सनातन धर्म में बिलीव नहीं करते तो आप शनि के कुछ करना चाहते हो तो सैटरडे के दिन लेबर्स लोगों को जो वेल्डिंग के काम करते हैं, जो गाड़ी चलाता है ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों को खाना दिया करो, आपके लिए शनि का दोष कट जाएंगे। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ये भी आपके जैसा ही किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा था और ऑलरेडी आपके मुलाकात हो चुका है, शायद इस इंसान के साथ मुलाकात होकर 2 वीक्स या 2 मंथ्स हुआ है, आप उतना सीरियस इसे नहीं ले रहे हो, कैजुअल ले रहे हो, लेकिन इसी इंसान के साथ आपके शादी होंगे और इस इंसान के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है APKHSTAUNMV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके पार्टनर के, JNK भी आ रहा था आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे तो आप पॉसिबल 2 to 4 जो है, आप 2 to 4 पार्टनर के साथ पहले मुलाकात आपके हो चुका है और टू इधर 2 लोगों के साथ आपके शादी से पहले मुलाकात होंगे, ये तीसरा इंसान होंगे, या 4 लोगों के साथ ऑलरेडी मुलाकात हो चुका है, ये 5वां इंसान होंगे जिसके साथ आपके शादी होने वाला है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, ये क्विक रीडिंग था, होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आया है, यही है आपके रीडिंग ऑलरेडी आई, ये पर्सन आपके लाइफ में है। एक ऑक्यूपेशन के बारे में मैं बोलना भूल गई हूँ, ये टीचर प्रोफेसर और ऐसे भी साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या नॉलेज शेयरिंग के काम जैसे ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं, कोई कंपनी में ट्रेनर के काम करते हैं या कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। और मैं एक चीज जाने से पहले देखना चाहती हूँ कि क्या ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रही है या कार्मिक पार्टनर है। ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है, मैरिज होगी इन्हीं के साथ और आपके आ रही है कि नेक्स्ट समर तक आपके मैरिज होंगे, मतलब इस समर के बाद में नेक्स्ट समर तक आपके मैरिज होंगे, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद आपके मैरिज होगी। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है और मैरिज ही है, इस इंसान के साथ आपके मैरिज ही है। ऑलरेडी 2 वीक्स या 2 मंथ्स पहले आपके मुलाकात हो चुका है और शायद आप इसे इतना सीरियसली नहीं लेते हो या शायद आपके
ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन जो भी है इस इंसान के साथ ही आपकी शादी होने वाला है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, वीडियो के नीचे में जरूर लिखे और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखे ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू।